देखिए हम आए तो साथ ही में वो घर में रहते थे, अगर कुछ होता तो हमारे कान में कुछ आवाज़ तो जाती, कुछ तो पता चलता, क्योंकि हमारे कान में कुछ भनक तक नहीं लगी, कभी कुछ ऐसी बात ही नहीं हुई। फ़ोन पे जब बात करते तो सुनाई तो देता ही था ना घर में साथ रहते हुए, कभी उन्होंने ऐसी बात ही नहीं की। बाकायदा वो लोगों का जब कॉल आ रहा था, जिस दिन पथराव हो रहा था उस दिन जब उनके पास कॉल आ रहा था, लोग बुला रहे थे, कह रहे थे ये से ये हो रहा है, तो कह रहे थे कि उन्होंने बाकायदा लोगों को मना करा कि वहाँ मत जाइए। ऐसी जगहों पे मत जाइए और सबको बचने के लिए कह रहे थे, और वो उस दिन पूरे दिन घर पे भी थे, तो वो कैसे इन सब चीज़ों के मास्टरमाइंड हो सकते हैं। तो मोबाइल से अगर कोई तत्व मिले हैं तो दिखाएं हम लोग को क्या तत्व मिले हैं, हम ऐसे कैसे कह दें, ऐसे तो कुछ भी कह देंगे मोबाइल में कुछ मिला है। हम लोग को लगभग 30 घंटे से ज़्यादा डिटेन करा था उन लोग ने, और हम लोग से आके घर के हर एक एक चीज़ के बारे में, कितने परिवार हैं, कहाँ रहते हैं, किस कौन सा थाना लगता है वहाँ पे, और घर में किस तरह की बातें होती थी, घर में क्या माहौल है, आप लोग क्या करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पूछा। एकदम से समझ में नहीं आ रहा क्या कहें, क्योंकि अचानक से कल रात में अचानक से वो मैडम आई, क्योंकि कल पूरा दिन तो हम वहीं पे थे, मैडम आई, उन्होंने बोला अपना घर खाली करवाइए। हम लोग जेल में, हम लोग के पास, मतलब जेल में नहीं थाने में, सॉरी, हम लोग थाने में, हम लोग के पास फ़ोन नहीं है, हम लोग कैसे घर खाली करवा दें, और हम लोग से कह रही घर खाली करवाइए, घर टूटेगा नहीं तो फिर आप सबको पकड़ा जाएगा, और क्यों पकड़ा जाएगा पता नहीं। जी ये मकान मेरी अम्मी के नाम है, ये हमारे नाना ने हमारी अम्मी को तोहफे के तौर पे ज़मीन दी थी। नहीं अब क्या ही कह सकते हैं, एकदम से हाथ पैर खड़े हो चुके हैं ऐसा लग रहा है। हम लोग को तो आज सवेरे ही छोड़ा गया है, और समझ लें बुलडोजर चलने से 2-3 घंटे पहले ही छोड़ा गया है, रिश्तेदार के घर में छोड़ा गया, तो वहीं पे हैं। हम तो सबसे पहले यही चाहेंगे कि हमारे अब्बू को इन सब चीज़ों से निकाला जाए, क्योंकि वो निर्दोष थे, सबको हमें पता है, किसी को पता ना हो, हमें पता है कि वो निर्दोष है, उनका कुछ किसी चीज़ में हाथ नहीं है, तो उनको सबसे पहले छोड़वाना चाहे, उनको सबसे पहले छोड़ा जाए, वो सबसे अहम चीज़ है मेरे लिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।